हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। हरियाणा में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 1476 नए मामले सामने आए। हिसार में कोरोना के 117 नए मामले दर्ज किए गए। रोहतक में 101 नए मामले सामने आए। फरीदाबाद में सेटरिंग के एक ठेकेदार ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक ने सुसाइड नोट लिखा। मृतक के सुसाइड नोट में यह दर्ज है कि शर्मा जी 5 लाख रुपए की मांग कर रहे थे, धमका रहे थे। फतेहाबाद सदियों पुरानी ऐतिहासिक और बदहाली की और अवैध कब्जों का शिकार रही चिल्ली झील का काम अब शुरू हो गया है। उपायुक्त डॉक्टर नरहरि सिंह बांगड़ ने मौके पर पहुंचकर कार्य का जायजा लिया। इसके लिए हफ्ते पहले करोड़ों रुपए का टेंडर जारी किया गया था। दोहाना के नागरिक अस्पताल में लगभग 4 महीने के बाद आधार कार्ड बनने शुरू हो गए। अक्टूबर महीने की बात करें तो आधार कार्ड बनाए गए। आधार कार्ड सेंटर संचालक गुरप्रीत मुगरिया ने बताया कि नागरिक अस्पताल के प्रांगण में स्थापित इस आधार कार्ड सेंटर में शहरवासियों के सरकारी शुल्क पर ही सुविधाएं उपलब्ध हैं। अनाज मंडी के दौरे के दौरान कृषि मंत्री ने मंडी में आए बाजरे का निरीक्षण किया। वहीं राहुल गांधी के हरियाणा दौरे पर बोले कि हरियाणा की धरती पर कदम रखने से पहले किसानों से माफी मांगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि बीजेपी ने 3 काले कानून पास करके प्राइवेट कंपनियों के लिए किसानों की फसलें खरीदने के रास्ते खोले। राहुल गांधी के हरियाणा दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने निशाना साधा है। कैथल में कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कृषि कानूनों के विरोध में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। हाथरस की हैवानियत पर अब सियासत गर्मा गई है। बीते रोज राहुल गांधी प्रियंका गांधी पीड़िता के परिवार से मिलने पहुंचे थे, रास्ते में ही रोक लिया गया। हाथरस गैंगरेप मामले में आरोपियों को सजा दिलाने की मांग तेज हो गई है। लोग जगह जगह कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। हिसार में भी लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से शुरू होकर यह कैंडल मार्च फवारा चौक तक गया। गुहाना में लोगों ने वाल्मीकि चौक पर इकट्ठा होकर कैंडल मार्च निकालते हुए शहर के अंबेडकर चौक तक यात्रा की। धान की खरीद शुरू न होने के चलते अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे किसानों का धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कृषि कानूनों को एक बार फिर से काला कानून करार दिया और कहा कि सरकार इसे तुरंत वापस ले। सिरसा में किसानों के समर्थन में कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने ट्रैक्टर यात्रा निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया। कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी कड़ी में बहादुरगढ़ में कांग्रेस ने कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया। फरीदाबाद और बल्लभगढ़ में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कृषि कानून के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। नीलोखेड़ी की सड़कों पर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखा गया। फतेहाबाद में कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। कार्यकर्ता ने बड़ी संख्या में ट्रैक्टर पर सवार होकर जुलूस निकाला। पांचवें अनलॉक में भी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट न खुलने पर वकीलों में भारी रोष है। हरियाणा में पराली जलाने वाले किसानों पर हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कार्रवाई करने से इनकार कर दिया है। कोरोना काल के दौरान बंद रहे निजी स्कूल संचालक टीसी देने के नाम पर अभिभावकों से मोटी फी वसूल रहे हैं।
अभिभावक स्थानीय शिक्षा विभाग के चक्कर काटने को मजबूर हैं। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने कहा कि कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, संज्ञान लिया जा रहा है। कोरोना काल में शिक्षा बोर्ड ने भावी अध्यापकों के चयन के लिए स्टेट परीक्षाओं की तारीख घोषित कर दी है। ये परीक्षा 21 और 22 नवंबर को होंगी। शिक्षा बोर्ड सचिव राजीव प्रसाद ने बताया कि परीक्षा से पहले सभी परीक्षा केंद्रों को सैनिटाइज करवाया जाएगा, मास्क अनिवार्य है। सोना के गांव टेढ़ में रास्ते विवाद को लेकर सरपंच और पूर्व सरपंच में विवाद हुआ, इतना बड़ा कि लाठी डंडे भी चले। कुरुक्षेत्र में मेडिकल स्टोर की आड़ में नशीली दवाई बेचने का मामला सामने आया है। कुरुक्षेत्र पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि सदर पुलिस थाने सर को गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। गुहाना शहर में चोरों का आतंक लगातार जारी है। इस बार एक चोर ने सोनीपत चुंगी के पास आधी रात को एक कार उड़ा लिया। मामले की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। गुहाना सिटी थाना एसएचओ महिपाल ने बताया कि कार मालिक के बयान पर मामला दर्ज कर लिया है, जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करेंगे।